सो गाइस, आज है वैलेंटाइंस डे, तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे आप सभी को। और मैं होने जा रही हूँ वैलेंटाइंस डे के लिए रेडी। सो ये रही मेरी रेड साड़ी, और मेरी ये रेड साड़ी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जब भी मैं ये साड़ी पहनती हूँ मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है और आप पे ये साड़ी बहुत ज़्यादा सूट करती है। तो मेरे पास यही एक रेड साड़ी है, और जब मैंने इसको ख़रीदा था तो मुझे नहीं पता था कि ये मेरे ऊपर इतना अच्छे से जाएगा। और जब मैं जब भी पहनती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही जम के मैं पहनती हूँ, जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा। तो अभी तो मेरे फेस पे कोई भी मेकअप कुछ भी नहीं है, तो मैं सबसे पहले फेस को मॉइस्चराइज कर लेती हूँ और बहुत ही सिंपल सा मेकअप करूँगी, बिल्कुल नेचुरल सा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा ओवर मेकअप कर लूँ, क्योंकि कहीं तो जाना ही नहीं है, घर पे ही सेलिब्रेट करना है, तो घर पे ही सेलिब्रेट करना तो थोड़े से अच्छे से रेडी कर होना तो बनता है। और ये कल के ब्लॉग में मैंने नेल पेंट्स लगाए थे, देखो मैंने उस तरीके से नेल्स करके लगाए थे, अभी तक मेरे नेल पेंट जो है वो नहीं छूटे हैं। और इस काम से थोड़ा सा काम होता है, मतलब इस हाथ से, तो थोड़ा बहुत यहाँ से निकल गया। और ये देखो, सो गाइस, यहाँ से मैंने वीडियो की जो है वो स्पीड बढ़ा दी है, क्योंकि यहाँ से मैं वॉइस ओवर करूँगी, क्योंकि मैं वीडियो में बातें भी कर रही हूँ, पर अगर मैं बातें रहने दूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहती और आप लोग भी नहीं चाहोगे कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो। तो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर लोटस का 10 in 1 डेली वेयर क्रीम है ये, जो कि हल्का सा आपको एक टिंट देता है और एक मतलब कि हल्की सी आपको फेयरनेस मतलब कि देता है, और आपकी स्किन को थोड़ा सा अच्छा लगता है, मतलब अच्छा लगता है इसको लगाने से, इसके साथ मेकअप जो है वो बिल्कुल नेचुरल आता है। तो वह मैं ये वही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हल्की सी कवरेज ये दे देता है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का कॉम्पैक्ट, और ये बजट में काफ़ी अच्छा कॉम्पैक्ट है। अगर आप बजट में कोई मेकअप प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो तो आप ये दोनों ही प्रोडक्ट ले सकते हो, अगर आप बिगनर्स हो तो। और मैंने कोई प्राइमर का यूज़ नहीं किया, क्योंकि लोटस का जो 10 in 1 है वो उसमें ऑलरेडी प्राइमर भी होता है, सब कुछ होता है, तो मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो जल्दीबाजी के लिए ये सही होता है और नॉर्मल मेकअप के लिए। उसके बाद मैं ये मेकअप रेवोल्यूशन का जो आई शैडो पैलेट है उससे मैं ये ब्लैक से पिक कर रही हूँ और अपना जो मेक आईब्रो है वो फिल कर लेती हूँ। उसके बाद ये लाइट पिंक शेड में पिक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों आज बिल्कुल एकदम नेचुरल सा मेकअप करने का मन कर रहा था, क्योंकि कहीं जाना नहीं है और घर पे ही झूठ मूठ का ओवर मेकअप करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और मेरे हस्बैंड को भी नेचुरल मेकअप ही पसंद है, तो मैंने ये बिल्कुल बेबी पिंक कलर का जो आई शैडो है वो मैंने वेयर किया हुआ है। और उसके बाद फुल आईलिड पे मैंने वही कलर अप्लाई कर लिया है, और उसके बाद मैं एक नॉर्मल सा लाइन ड्रॉ कर लूँगी और बस एजेस को थोड़ा सा निकाल लूँगी, क्योंकि एजेस अगर फ्लैट होते हैं तो आपकी जो लाइनर वो अच्छी नहीं दिखती है। और बस कोई विंग वगैरह मैं कुछ भी नहीं कर रही, बस एक नॉर्मल सा आई शैडो सॉरी लाइनर लगा ले रही हूँ। और उसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ और अभी जो आपको लाइट्स है मेरे घर के वो उतने अच्छे नहीं दिख रहे होंगे, इसलिए अच्छे नहीं दिख रहे, क्योंकि 2-3 दिन से मेरे मोहल्ले में कुछ पानी वगैरह का काम चल रहा है, जिसके कारण थोड़ा बहुत मतलब कि डेली लाइट चला जाता है। और इसके लिए उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लशर और हाइलाइटर दोनों ही, तो मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर है और ब्लशर है वेट एंड वाइल्ड का, वो भी बिल्कुल हल्का हल्का सा लगा लूँगी, ब्लशर के ऊपर से ही मैं हाइलाइटर लगा लूँगी ताकि चिक्स थोड़ी सी शाइन करे, मैंने एक बिंदी लगाया था। उसके बाद मैं लगा रही हूँ मेबलिन का रिच रूबी है लिपस्टिक्स, वो लगा ले रही हूँ, रेड कलर की लिपस्टिक है, बहुत ही अच्छी है। और ये रही मेरी जो नेचुरल से मेकअप है वो बिल्कुल तैयार है, और इस मेकअप को करने में लगभग मुझे लगे थे 10 से 12 मिनट लगे थे और मैं रेडी हो गई थी। और उसके बाद मैं सिंदूर लगा लेती हूँ, तो आप लोगों को भी पता है कि सिंदूर मैं जब भी लगाती हूँ तो सर पे आँचल रख के ऊपर से और पूरा पश्चिम करके, तो वैसे शुभ माना जाता है। उसके बाद मैं इयररिंग पहन लेती हूँ,
और मैंने ये वाली इयररिंग वेयर की हुई है, क्योंकि ये वाली जो इयररिंग है वो अच्छी लगती है, वो क्योंकि इसके जो जितने भी थ्रेड हैं वो कलरफुल से हैं और रेड साड़ी पे ये बहुत ही अच्छे जा रहे थे। उसके बाद मैं मस्कारा लगाना भूल गई थी, तो मैं मस्कारा लगा रही हूँ, क्योंकि आई शैडो लगाते हो या फिर क्रीम पाउडर लगाते हो आप, तो आपकी जो आईलाइसेस है वो वाइट वाइट सी दिखती है, तो इसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए मैं यूज करूँ वेट एंड वाइल्ड का आई शैडो, सॉरी मस्कारा। कहीं कहीं मैं इधर उधर हो जाती हूँ। उसके बाद मैं बालों को ओपन कर लूँगी और उसके बाद मैं इस तरीके से बालों को बना लूँगी। मैंने पहले कोम करके इस तरीके से जूरा बना लिया था, तो इस तरीके से खोलने से एक लुक आ जाता है। सो दिस इज़ माई वैलेंटाइंस डे मेकअप लुक। तो कैसा लग रहा है मेरा मेकअप लुक? आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। बहुत ही लाइट से बहुत ही सिंपल सा मेकअप मैंने किया हुआ है, क्योंकि हर किसी को हबी को या फिर उनके जो वैलेंटाइन होते हैं उनको पसंद नहीं होता कि बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप उनकी जो वैलेंटाइन है वो करे। तो मेरे हस्बैंड को बहुत ही सिंपल सा सोबर सा मेकअप पसंद है, और यूजुअली मुझे भी जो है वो सिंपल इस टाइप का मेकअप पसंद है कि कहीं भी आप चले जाओ कुछ भी कर लो तो ये जो सिंपल सा मेकअप है वो लॉन्ग लास्ट भी काफ़ी देर तक करता है। तो मुझे भी एक्चुअली ऐसा ही मेकअप पसंद है, जो कि आपने मेकअप तो किया है आपकी खूबसूरती को वो इन्हेंस करे, बट आपका जो मेकअप वो उभर कर ना आए, ऐसा ना लगे कि बहुत ज़्यादा ओवर हो गया है। तो मुझे भी इसी टाइप का मेकअप लुक पसंद है। सो कैसा लग रहा है मेरा मेकअप लुक? आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, ज़रूर बताइएगा। सो मैं तो हो गई अपनी वैलेंटाइन के लिए रेडी, और अब वो जस्ट 10-15 मिनट में आती होंगे क्योंकि उनका कॉल आया था। तो बस मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं ये कुछ खाने पीने के चीज़ें और केक लेकर आए हैं, और मेरे यहाँ कोई रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है, इसलिए मेरे यहाँ आपको हमेशा इसी टाइप की चीज़ें दिखती होगी। तो यही एक अच्छा सा है मोगनीस खुला है हमारे यहाँ, ताकि जो कि हम लोग लगभग एक साल से ज़्यादा हो गया हम लोग यही सारी चीज़ें खा पाते कुछ अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई बड़ा सा रेस्टोरेंट नहीं है, और फैमिली रेस्टोरेंट है बट लोग जाते नहीं हैं, और हमारे यहाँ जो भी होता है वो घर पे ला कर ही खाना पीना होता है, और जितनी भी सेलिब्रेशन होती है अब आप लोग भी समझ सकते हो कि कहीं कोई जा नहीं रहा है, तो अकेले हम लोग फैमिली पूरी फैमिली उठ के तो नहीं जा सकते क्योंकि अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं केक खोल रही थी, केक का डब्बा, तो ये देखिए ये रहा हमारा केक, और ये हार्ट शेप में वैलेंटाइन डे का है। तो हमारा मन था तो कि हम रेड वेलवेट मंगाए पर नहीं मिला। सो गाइस यहाँ पे टीवी चल रही है जिसके कारण मैंने आवाज़ को म्यूट पे रखा हुआ है, और मैं म्यूजिक लगा दूंगी। तो यहाँ पे हम सब पूरी फैमिली मिलके केक कट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए वैलेंटाइन डे का मतलब सिर्फ हस्बैंड वाइफ या फिर वाइफ एंड गर्लफ्रेंड नहीं है, पूरी फैमिली मिलके सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि प्यार तो है जो कि पूरी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। और ये देखो उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया, मुझे चाकू से खिला रहे हैं, सबको भूख लगाई है, और केक कटिंग के बाद किसी से केस को सब्र नहीं होता। और आज पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा फंबल करी, मेरे टंग जो है बहुत ज़्यादा ही ट्विस्ट हो रहे हैं, पता नहीं क्या है। तो इन सबको मैं निकाल लेती हूँ, फिर मैं इसको गर्म करूँगी अवन में। तो एक बार गर्म करके ले आई थी, फिर मैंने दूसरी बार इसको डाला था गर्म करने के लिए, तो सबको फटा। तो फिर केक कटिंग के बाद सबको भूख लगी है, तो सब को मैं प्लेट में निकाल कर इस तरीके से काट काट कर दे रही हूँ। और ये रही मेरी प्लेट। सो गाइस पार्टी जो है वो ओवर हो गई है, हम लोग फेस मतलब कि सामने से आकर केक वेक नहीं कट किया, क्योंकि हस्बैंड ने नहीं बोला था, क्योंकि उन्होंने बोला कि सामने से केक अगर आऊँगा तो केक नहीं कट करूँगा सामने से मतलब कि कैमरे के सामने वो नहीं आना चाहते थे, बेसिकली ये मतलब है।
तो इसलिए मैंने उनको ज़्यादा फोर्स नहीं किया। तो इसी तरीके से हम लोगों ने छोटा मोटा सा सेलिब्रेशन किया है, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो मेरा जो वैलेंटाइंस डे गिफ्ट है, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या चाहिए, तो आप लोगों को तो पता ही है, कई व्लॉग्स में मैं बोल चुकी हूँ कि मेरे बाल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखे। तो मैंने बोला कि मेरे लिए मेरे हेयर केयर का प्रोडक्ट मुझे चाहिए, तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, तो मैंने वही मांग लिया, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मैं मतलब कि कुछ भी वो अंदाजे से मुझे नहीं ला के देते, वो वैसे भी मुझे बहुत ही कम गिफ्ट देते हैं, तो मुझे जो भी ज़रूरत होता है मैं उनसे मांग लेती हूँ, वही मेरे लिए मेरा गिफ्ट हो जाता है। तो बस यही है, तो जब आएगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या मैंने मंगवाया है। वैसे तो मैं स्पा कराने के बारे में सोच रही थी, लेकिन जब मैंने प्रोडक्ट्स देखे तो मुझे लगा कि मुझे शायद ले लेना चाहिए, तो इसलिए मैंने वही कर लिया, नहीं तो मैं स्पा कराती अपने वैलेंटाइन डे गिफ्ट में। तो वही है, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मतलब कि हमारे पास बहुत सारा पैसा नहीं होता कि हम कुछ भी उठा पुठा के दे दें, कुछ भी कर दें। और मेरे हस्बैंड को तो मतलब गिफ्ट के नाम से कुछ भी उनको समझ नहीं आता, वो सीधे बोलते जो मेरा है वो तुम्हारा है, तुम समझो। तो बस यही है, तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, एंड आप लोगों को भी मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी वैलेंटाइंस डे। और आप लोगों का वैलेंटाइंस डे कैसा गया आई आप लोग ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, जो कि है पुलवामा अटैक। हम लोग वैलेंटाइंस डे तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन वो जो मनहूस दिन था उनको भी हम याद रखेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे जवानों की जो है जाने गई हैं, तो वो चीज़ भी हमें अरे दिल में है। तो एक बार उन शहीद जवानों के लिए जय हिंद जय भारत।